एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बन रहा है एवोकाडो स्प्रेड टोस्ट। ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप स्क्रीन पे बेनिफिट्स देख रहे होंगे एवोकाडो के, तो आप चाहे तो इसे आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। पर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव फ्रूट है, पर हाँ खाने में अच्छा लगता है। तो मैं बना रही हूँ जो टोस्ट, उसमें एक रहेगा लेयर एवोकाडो का और एक लेयर रहेगा एग का। तो उसके लिए मैंने एग को बॉईल कर लिया और यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ। उसके बाद एवोकाडो में मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा कटे हुए प्याज, ब्लैक पेपर और ओरिगैनो। और यहाँ पे मैंने अंडे में डाला है थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक, और इनको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद टोस्ट को अच्छे से आपको बटर में सेक लेना है ताकि थोड़ी सी वो कुरकुरी बन जाए, और उसके ऊपर फिर से आपको स्प्रेड कर देना है एक लेयर अंडे का और एक लेयर एवोकाडो का। नाश्ता करते ही मैं लग गई अपने काम पे, और आज मेरी क्लीनिंग रूटीन में है कि मैं दोनों ही बालकनी को क्लीन करूं, तो सभी चीज़ों को वाइप भी करूंगी, और साथ ही साथ में आज यूपीवीसी विंडोज़ को भी मैं क्लीन करूंगी। तो मंथली दो बार मैं सारे ही विंडोज़ को वाइप करती हूं। किसी भी ग्लास सरफेस को अगर आपको स्पॉटलेस क्लीन करना है तो सबसे आसान हैक है अगर आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें, पर मेरे पास वो था नहीं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ग्लास क्लीनिंग लिक्विड, जो नॉर्मली मिल जाता है आपको, जैसे कि कॉलिन वगैरह होता है। तो इसे पूरा स्प्रे कर लूँगी, उसके बाद मैं माइक्रोफाइबर से अच्छे से इसे वाइप कर लूँगी दोनों ही साइड। काफ़ी टाइम टेकिंग होता है एक्चुअली, ये दिखने में आसान लगता है पर थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है। बालकनी क्लीनिंग के बाद अब आ गई हूँ यहाँ पे डस्टिंग करने के लिए। जो आप ये धूल देख रहे हैं, ये देख के लग रहा होगा मानो कितने दिनों से डस्टिंग यहाँ पे हुई नहीं है, जबकि यह बात नहीं है। एवरी डे मैं बाकी काम घर के करूँ ना करूँ, लेकिन वीकेंड हो या कुछ भी हो, मैं एक बारी वाइप ज़रूर करती हूँ सारे ही सरफेस को। फिर भी देखिए एक दिनों में ही कितना ज़्यादा धूल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। मेरे घर के आगे थोड़ा सा खाली ज़मीन है, और अगर कुछ गाड़ियाँ गुजर रही हों धूल भी आती रहती है, उस वजह से डस्टिंग करना एवरी डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसे ही धूल जम जाते हैं, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। Thank you.
बारी अब किचन क्लीनिंग की, तो ये वेरी करता है, कभी नाश्ते के बाद मैं एक बार वाइप कर लेती हूँ या फिर रात को डिनर के बाद करती हूँ। अगर बहुत हैवी कुकिंग होने वाली होती है लंच में, मुझे पता है, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट के बाद बिल्कुल भी इसे वाइप उतना नहीं करती हूँ। अगर हैवी कुकिंग नहीं होने वाली होती है तो ब्रेकफास्ट के बाद अगर एक बार वाइप कर लिया जाए तो फिर लंच बनाने में अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो झाड़ू पोछा होने से पहले ही सारे ही डस्टिंग के मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि बाद में सिर्फ झाड़ू हो और एक बार पोछा कर दूँ। देखिए कितना सुंदर सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है, कितना चमक रहा है। थोड़ी सी डेडिकेशन लगती है, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन लगता है क्लीनिंग के लिए अपने आप को मनाने में, वो भी अगर 2-3 दिन का गैप हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर और मन भी नहीं कर रहा होता है। पर एक बार अगर आप घर साफ़ कर ले तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब एक ही काम बचता है मेरा, और वो है इस बैल्कनी को क्लीन करना। पर ये काम थोड़ा सा हेक्टिक है मेरे लिए, ऑल थैंक्स टू कबूतर। आपको पता ही है थोड़ा परेशान हूँ मैं कबूतरों के पंख की वजह से। पहले तो उनकी पॉटी भी बहुत सारी आई रहती थी, पर अब एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस पंख आते हैं। ये जो मेरा कपड़ा सुखाने का ड्रायर आप देख रहे हैं, बहुत लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा। आप किसी भी हार्डवेयर शॉप से बात कर सकते हैं या फिर अमेजोन पर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हुक्स दिए हुए हैं जिसमें फ़िट किया गया है ये रस्सी। एक रस्सी को आप पुल करेंगे, उसके बाद आप आराम से इसमें कपड़े सुखा सकते हैं। और यहाँ पर मुझे पंख साफ़ करनी है, तो यही एक एडिशनल काम है। पहले तो बस धूल जमी होती थी, पर अब ये पंख भी है। नेट लगाने के बाद से पॉटी की प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो उसे मुझे पानी से धोना पड़ता था। अब बस झाड़ू कर देती हूँ तो काम हो जाता है, पर ये एक एडिशनल काम हो गया है। और ये मैं सबसे लास्ट के लिए रखती हूँ, ये करते ही सीधा जाऊँगी शाल लेने के लिए और उसके बाद बनाऊँगी लंच, क्योंकि इसके बाद मैं घर में फिर और कोई काम नहीं करती हूँ, सीधा भागती हूँ शाल लेने के लिए। अभी तो ठीक है, पर जैसे जैसे समर आएगा ना, वैसे वैसे यहाँ पर झाड़ू करना या कोई भी काम करने में बहुत गर्मी होती है, यहाँ पर डायरेक्टली धूप आ रही होती है, पर करना तो है ही। पर हाँ, नेट से फ़ायदा तो हुआ है कि पॉटी एटलीस्ट एक भी ज़रा नहीं है। और यहाँ पे इसे भी मैं ग्लास को साफ़ कर लूँगी, सबसे लास्ट के लिए बचा के रखा है। तो अगर आप इसे 15 डेज में एक बार भी वाइप करते हो ना, तो काफ़ी साफ़ रहता है ग्लास, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फटाफट ये काम कर लिए, अब जा रही हूँ शाल लेने के लिए। एक तो वीकेंड प्लस अगर आपका तबीयत थोड़ा सा खराब हो ना, तो ये सब मिलजुल कर ऐसा हालत हो जाता है ना कि घर की पूरी वाट लग जाती है। और मैंने मंडे भी इस बारी कुछ भी क्लीनिंग नहीं किया था, क्योंकि मंडे भी तबीयत कुछ खास ठीक थी नहीं, तो आज तो ऐसा हालत हो गया था कि करना ही करना है। देखा ना आपने कितनी सारी गंदगी थी उस वाले बैल्कनी में, उस वाले बैल्कनी का तो मैं क्या बताऊं ना। मुझे कभी कभी पछतावा हो रहा है कि मुझे नेट के बदले ना प्रॉपर उसको विंडो ही कर लेना चाहिए था, पर वो उतना कॉस्टली बोल रहा था तो मुझे लगा ट्राई कर। एनीवेज चलिए, आज लंच में बना रही हूँ मैं, राइस नहीं बना रही हूँ, आज कहीं राइस खाने का मन नहीं है। बाहर ना ऐसा समर से पहले नहीं होता है कि बहुत हवा चल रही होती है धूल के साथ में और आपको लग रहा होता है कि सब कुछ ड्राई ड्राई हो गया है, वैसा मौसम है आज का। तो ऐसे में मुझे मन नहीं कर रहा आज राइस खाऊं, तो आज खा लेती हूँ रोटी। उसके लिए अंगद जी थोड़े फ्री थे तो उन्होंने फटाफट आटा गूंद दिया है, तो मैं बना लूंगी सब्जी वगैरह, दाल वगैरह, बहुत टाइम नहीं लगेगा, फटाफट सिंपल सा बनाऊंगी, कुछ रेसिपी शेयर नहीं करी, कुछ खास है नहीं। तो मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि मैं हाफ एन आवर में ना सब कुछ बना लूं, ताकि मेरा ये किचन का काम निपट जाए और मैं हो जाऊं फ्री, क्योंकि मुझे एक वीडियो भी एडिट करना है, वो भी काम बाकी है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहले इतना टाइम नहीं होता था, वैलेंटाइन डे में अंगद ने गिफ्ट दिया था ना, उसको मैंने रिप्लेसमेंट में डाला था, साइज का इश्यू था, अभी इतना इतने दिन के बाद आया है। पता है अमेजोन में बहुत टाइम लेता है। कमेंट पे बात करना है, पिछला वाला जो व्लॉग था इससे पहले वाला, जिसमें हम लोग गए थे वो वाला खाना खाने के लिए, जापानीज ट्राई करने के लिए, तो उनके कमेंट सेक्शन में आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा कमेंट है। तो जब भी कोई एक तो मुझे एफर्ट लगा करके टाइम निकाल करके कोई बड़ा कमेंट लिखता है और थॉटफुल बातें लिखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, किसी ने समय निकाला और अपनी ओपिनियन दी या फिर जो भी बातें हैं वो लिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो कमेंट था, ये कमेंट से काफी हद तक मैं अग्री करती हूँ, और इसलिए मुझे लगा इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि गए थे खाना खाने के लिए और वहां पे आपने देखा होगा कि बिल मैंने पेमेंट की थी, और अंगद वो मजाक भी कर रहे थे कि आज इस कंजूस की जेब से पैसा निकल गया, ट्रीट इसने दे दी है। अच्छा चीज, मुझे ये लगा इस कंजूस से पैसे निकले फाइनली। हाँ,
इस बारी इस कंजूस ने अपनी जेब खोली है। इसी पे कमेंट आया था कि वो कह रही थी कि जो भी होता है हस्बैंड और वाइफ का वो तो इक्वल होता है ना, उन दोनों का होता है, दोनों जो कमाते हैं वो क्या है, दोनों के लिए ही है, तो इसमें मेरा तेरा क्यों, तो क्यों हस्बैंड वाइफ में ऐसा क्यों करने का कि तुम बिल दे दो या तुम बिल दे दो, ये मेरे पैसे हैं। या जो वाइफ, वो कह रही थी कि जो वाइफ कहती है कि आज तो मैंने हस्बैंड के जेब से खूब सारा पैसा निकलवा लिया, महंगा गिफ्ट ले लिया, तो ये कैसे सेंसिबल है, जो भी पैसा है दोनों का ही है। एक्चुअली देखिए, अगर ग्राउंड लेवल पे बात की जाए, रियलिटी की बात की जाए, रूट लेवल पे बात की जाए, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि दोनों का पैसा जो है वो दोनों का पैसा है, जो मैं कमाती हूँ अंगत का, जो अंगत कमाते हैं मेरा है, मेरा तेरा इसमें होना ही नहीं चाहिए, दोनों इक्वली फाइनेंस बिल्ड कर रहे हैं और वो ही एक्चुअली सही बात है। पर ये जो बात हो गई ना, ये प्रैक्टिकल रियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो गई कि हाँ ऐसा होता है, दिस शुड बी दी ग्राउंड रियलिटी ऑफ योर मैरिज। पर कुछ चीजें ऐसी होती है ना मैरिज में जो फन के लिए होती है, जो मैरिज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होती है, जो रिलेशनशिप में एक खट्टा मीठा नोक झोंक के लिए होती है, और वो ओवर द टाइम आप बिल्ड करते हो या फिर आप दोनों का नेचर ही वैसा है तो आपके बीच में वो चलता रहेगा। मतलब ये हुआ कि अगर सब कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में सोचा जाए और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ही बात की जाए, तो आपको नहीं लगता कि रिलेशनशिप बहुत बोरिंग सी हो जाएगी? मतलब बहुत ही फॉर्मल और बोरिंग हो जाएगी। जैसे ठीक है, फाइनेंस है दोनों का, मेरे रखे हैं, तो कभी ये नोकझोंक हुई नहीं, ये टकरार हुई नहीं, ये तो ये एक मिठास होती है, वो होगा ही नहीं। ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा तेरा नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी द बेस ऑफ योर रिलेशनशिप, वो अलग बात हो गई। पर मैं फन की बात कर रही हूँ। जैसे कि अगर मेरा तेरा किया जाए ना थोड़ा बहुत, तो इससे क्या हो जाता है ना कि एक फन आता है कि आज तो पेमेंट बेटा तुम ही करोगे, आज तो पेमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी, आज इसके जेब से मैंने पैसे निकलवा लिए, इनसे गिफ्ट तो मैं लेकर रहूंगी। ये सब क्या है ना, ये आपकी रिलेशनशिप को, ओवरऑल आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। ये बेस नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं मजा लाता है। तो ठीक है, अगर आप शुरू से ऐसे नहीं हो एज अ कपल, तो अचानक से आप ये अपने रिश्ते में नहीं ला सकते, ये फन एलिमेंट अचानक से नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके शुरू से ऐसी आदत है, जैसे कि अगर बात की जाए, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ फैन के बारे में। अब फैन अगर 3 पे चले या 4 पे चले, उतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, राइट? जिसे लग रहा है कि 3 थोड़ा कम है वो भैया चादर नहीं ओढ़ेगा, जिसे लगता है कि 4 ज्यादा है वो थोड़ा सा ब्लैंकेट ओढ़ लेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर फिर भी कपल में ये बहुत होता है कि अरे 3 पे क्यों चलाया, 4 पे क्यों चलाया, फैन कम करो ज्यादा करो, इससे क्या होता है, एक नोकझोंक होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में एक दूसरे से झगड़ना चाहते हैं, मिठास आती है, राइट? इससे एक मजा आता है जीने में, वरना रोज बर रोज में तो कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। आप देखेंगे तो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, अगर इसमें नोकझोंक ना हो, ये टकरार ना हो, ये ऐसी बातें ना हो, तो फिर कितना बोरिंग हो जाएगा ना। दोनों क्योंकि साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता है, एक ही तरीके का लाइफ जी रहे होते हैं, तो बात करने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो कैसे ये इक्वेशन को मेंटेन करके रखे कि आपस में कुछ कुछ बातें होती रहे, कुछ नोकझोंक होती रहे, थोड़ी सी कैट फाइट्स होती रहे ना, दोस्त जैसा लगे आपको, वो एलिमेंट्स इस तरीके से आता है। ये सीरियस वे में नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल में भैया तुम्हारा, तुमको पैसे देने हैं, तुम्हें पैसा देने, वो नहीं होना चाहिए। पर ये जरूर होना चाहिए कि आज पैसे कौन देगा, खाना खाने गए तो आज किसके जेब से निकलने वाला है, बड़ा मजा आता है उस चीज में। आई डोंट नो कितने लोग समझेंगे नहीं समझेंगे इस बात को, पर आई एम श्योर कि जो कपल्स ऐसे होंगे वो जरूर समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है और ये कितनी फ्रेशनेस लाता है आपके मैरिज में, कितना आपको मजा आता है चिढ़ाने में एक दूसरे को। पर हाँ, ग्राउंड रियलिटी नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में तो दोनों को साथ में करना चाहिए, मेरा तेरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसमें। ज्यादा टाइम हो चुका है, अभी बज रहे हैं 7 और बाहर हो गया है पूरी तरीके से अंधेरा, और इस टाइम पे ना जनरली मुझे भूख नहीं लगती है। मैं या तो चाय के टाइम पे कुछ खा लेती हूँ, फिर सीधा खाना खाती हूँ, पर आज मुझे लग गई है भूख और मेरा मन कर रहा है कि मैं मैगी खाऊं। पता नहीं, बहुत टाइम से मैंने मैगी नहीं खाया, पहले ना बहुत फ्रीक्वेंट खाती थी मैगी, उसके बाद एकदम से कम कर दिया खाना। तो घर में रहता तो हमेशा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैगी घर में ना हो, क्योंकि जब कुछ भी खाने का मन नहीं करता या कुछ बनाने का मन नहीं करता तो क्विक स्नैक्स में मुझे मैगी ही अच्छा लगता है, पर बहुत टाइम से खाया नहीं है तो आज अचानक से याद आ गया, तो चलिए मैगी बनाते हैं, मैगी खाते हैं। और मैगी ना मुझे अपने हाथ की ही पसंद आती है, अंगद भी बनाते हैं पर मुझे अपने हाथ की ज्यादा अच्छी लगती है। अंगद को मैं बोलती हूँ बनाने के लिए जब मुझे ड्राई वाली मैगी खानी होती है, वो अच्छा बनाते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल सी मैगी होती है
वो मैं अपने हाथ का प्रेफर करती हूँ। पहले ना जब छोटे थे ना तो इतने तरीके का मैगी बनाते थे ना हम लोग, एक नया सीखा था मैंने बचपन में, मतलब बचपन क्या हुआ 7th-8th standard में। पहले से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल में मैं प्याज फ्राई करती थी, फिर टमाटर फ्राई करती थी, फिर उसमें मटर डालती थी, उसके बाद गाजर डालती थी, फिर पानी, फिर मसाला, फिर मैगी को अच्छे से उबालूंगी, अंडे की भुर्जी डालूंगी और 2 मिनट नूडल्स को मैं 20 मिनट नूडल्स बना के खाती थी, पर वो बहुत टेस्टी लगता था। अब पता नहीं क्यों मुझे वो वाला अच्छा नहीं लगता, अब मुझे सिंपल सा जो प्योर मैगी का जो मसाला का जो फ्लेवर है ना, अब मुझे वही अच्छा लगता है। नहीं तो फिर अगर कोई और चिकन मैगी वगैरह, वो तो अलग बात है। और बातों बातों में ये हो गया है अच्छा खासा गर्म, तो एक पैकेट डाल देते। बहुत लोग है ना मैगी को पूरा तोड़ के नहीं डालते, उन्हें अच्छा लगता है कि मैगी सीधा डाल दे, मुझे नहीं वैसा अच्छा लगता, मैं तो तोड़ ही देती हूँ। और ये बड़े पैकेट में ना एक और कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे कि कितना डालना है, मतलब इसमें इतने सारे होते हैं ना कि मैं कंफ्यूज होती हूँ कि ये एक ही था कि थोड़ा और पड़ेगा, पर आई थिंक ये एक पैकेट का इतना ही था क्योंकि मसाले उस हिसाब से हैं। अब ये थोड़ा सा खोलेगा और इसको मैं ढक देती हूँ ताकि ये आराम से अंदर ही पक जाए और जो पानी है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। इतना अच्छे से ये भाप आ रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। अब ये खोल के देखते हैं, टन टन। ओ अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत भूख लग रही है, इसकी स्मेल सुन के ना और भी ज़्यादा। कभी कभी मन कर जाता है ना ऐसे सिंपल चीज खाने का भी, तो मन कहता है अभी खा लूँ अभी खा लूँ, और अगर मैगी भी होता नहीं तो मैं मुझे एक क्रेविंग रह जाती खाने की। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको ये दिन बिता करके मेरे साथ अच्छा लगा हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय। वैसे पता है कुछ लोग मेरा ब्लॉग एंड तक देखते ही जान के मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने एकदम एंड में एक गाना बजाया था जो हम गाड़ी में सुन रहे थे और बहुत लोगों ने वो गाना नोटिस किया, तो मुझे इतनी खुशी लगी ना कि लोग लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि जब मैं बाय बाय बोलती हूँ तो मुझे लगता है बहुत लोग बैक हो जाते होंगे, पर नहीं, काफी लोग लास्ट तक जाते हैं, देखते हैं कि मैंने लास्ट में क्या सीन दिखाया, तो वो जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय।